जय बाबा की। कैसे हैं आप सब लोग? तो आप लोग देख रहे होंगे कि मतलब मेरी किचन की अभी भी क्या हालत है। कमरा थोड़ा सा सही हो गया है और किचन की और फ्रिज के ऊपर अभी भी वही हालत है। तो हमने सोचा कि थोड़ी सी किचन को सही कर ली जाए, क्योंकि सर्दी का मौसम है ना, तो काम करते हैं तो चाय पीने का बहुत मन करता है। तो कोशिश करते हैं, देखिए जैसे बोलना स्टार्ट करते हैं वैसे बाहर ये लोग कुछ घिसने लगते हैं तो उसकी आवाज़ आने लगती है, कितनी तेज आ रही। आप लोग देख सकते, देखिए कितनी बुरी तरीके से सामान बिखरा पड़ा है। ये धक्का लगा तो बर्तन और वगैरह उधर कुछ जो है गिर गए, सब कैसे उल्टा सीधा सब पड़ा है। तो बस वही है कि आजकल सर्दियाँ हैं और मतलब चाय पीने को बहुत मन करता है कि बस काम करते जाओ चाय पीते जाओ। तो सबसे पहले आज ये करेंगे कि किचन को थोड़ा सा ऐसा करेंगे कि चाय बना सकें। तो बस इसलिए जो है अभी थोड़ा ऊपर का ही इसका जो है हिस्सा सही करेंगे। सबसे पहले ये सामान हटा के इसको जो है ये स्लेब जो है इसको साफ करेंगे, क्योंकि अभी उन्होंने मना किया है कि नीचे जो दीवार बनी थी, नीचे वाली जो दीवार है इसमें अभी पेंट नहीं हुआ है, अभी इसमें पेंट होगा। ये पिंक कलर का जैसा ऊपर है सेम ऐसा ही इसमें जो है। तो अभी ये गीली थी और बोल रहे थे कि गीली दीवार में पेंट नहीं होता है आंटी, तो हम नीचे का सामान अभी कुछ नहीं लगाएंगे, केवल अभी ऊपर ऊपर की अपनी थोड़ी सी किचन सही करेंगे। तो चलिए थोड़ी सी किचन सही कर लेते हैं, उसके बाद फिर आप लोगों से बात करते हैं। हम कर रहे थे किचन की सफाई, और किचन की सफाई करने से पहले हमने बहुत सारा काम किया था, रूम में भी काम किया था, सारा सामान एक सा किया था। तो दिव्या हमसे कहने लगी कि दिव्या का फ़ोन आया, मम्मी क्या कर रही? तो हमने कहा कुछ नहीं, रूम का सारा काम हो गया है, अब सोच रहे हैं कि किचन का कर लें। तो दिव्या कहने लगी मम्मी तुम एक ही दिन में करोगी, वे दूसरे दिन थक के लेट जाओगी, इतना काम इकट्ठा मत करो और किचन कल करना बाद में करना। तो हमने कहा कि नहीं, अब ऐसा कुछ नहीं है, अभी मेरा काम करने का मन कर रहा है और हमें लगता है कि हम कर लेंगे थोड़ा काम, क्योंकि मेरा बस वही इरादा था कि किचन को थोड़ा सा ऐसा कर लें जो कि चाय वगैरह बना के पी सकें। तो बस इसीलिए फिर हमने किचन का भी काम स्टार्ट किया था, आप लोगों को दिखाया हमने कि सामान बाहर रखा, फिर सफाई करना शुरू कर दिया। होता है ना कि जैसे काम करो तो लगता है कि बस जो है कर लो निपट जाए किसी तरीके से, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि काम करते करते शरीर भी जवाब दे जाता है। तो वास्तव में सच में जो है हमने जैसे ही किचन की सफाई शुरू की, जैसे ही किचन की सफाई करना शुरू किया, मतलब इतनी तेज़ हमें एकदम से थकान हो गई और बिल्कुल भी हमसे खड़ा नहीं हुआ गया। तो बस थोड़ी सी, और वैसे भी वो एक दिन में साफ़ होने वाली नहीं थी, हमने आप लोगों को दिखाया था ये किचन कितना ज़्यादा गंदा हो गया था। तो फिर हमने बस थोड़ा हल्का सा एक ही बार उसको साफ़ कर दिया था, क्योंकि चीज़ ऐसे होता ना कि जब काम करने लगो तब पता चलता है, ऐसे देखने से तो लगता है कि अभी तुरंत हो जाएगा।
लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो जब साफ करने लगे तो वो स्लेब काफ़ी ज़्यादा गंदी थी और पेंट वगैरह उस पर सूख गया था, एकदम जम गया था। तो हमने सोचा कि ये इस तरीके से साफ़ होने वाली है नहीं और इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा तब ये चाय बनाने लायक होगी। तो हम बहुत ज़्यादा थक गए थे और उसको फिर हमने ऐसे ही छोड़ दिया और छोड़ के फिर हम आ गए यहाँ पे दिव्या के यहाँ। तो यहाँ पे आए तो फिर बिटिया ने चाय बना दी थी, बस चाय पी और चाय पी के थोड़ी देर आराम करके और काफ़ी देर से लेटे लेटे बस जो है फ़ोन देख रहे थे और आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट देख रहे थे। तो बहुत सारे लोग हमसे जो है मेरे इस वाले रूम के रेंट के लिए पूछ रहे हैं कि आंटी किराया कितना है, प्लीज़ बताइए किराया कितना है। तो हमने सोचा कि जो है उसमें छुपाने वाली कोई बात नहीं है, ना ही कोई शर्म वाली बात है। किराया तो किराए पर रहेंगे तो किराया तो लगेगा ही, और कम ज़्यादा वो अपनी मतलब मकान के हिसाब से होता है कि हमने कैसा मकान लिया है, कैसा रूम लिया है और कैसी हमारी सिचुएशन है, ऐसा भी होता है ना। तो उसी हिसाब से जो है मेरा ये जो छोटा सा रूम है तो उसका किराया है, वहाँ का किराया हमने आप लोगों को बताया था कि 8,500 था, जो कि हमें बहुत ज़्यादा हमें लग रहा था, लग नहीं रहा था ही मेरे लिए ज़्यादा, क्योंकि हमें उस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो बस मैन किराया भी था और दूर भी था और दो रूम भी थे, तो वही रीज़न था बदलने का। वैसे पहले आप लोगों ने पूछा था इतनी जल्दी क्यों जो है चेंज कर दिया, तो वो रीज़न तो हमने आप लोगों को बता ही दिया था कि हमने क्यों चेंज किया है। तो बस और आप सब लोग अब किराए के लिए पूछ रहे हैं, तो इस वाले रूम का किराया है मेरा 5,000, 5,000 और लाइट अलग से 300 रुपये ऊपर बताए थे, मतलब कुछ भी मैनेजमेंट के समझ लो या किसी भी झाड़ू के या पानी के। तो हमने कहा भैया फिर अब ऐसा करो कि ये 300 रुपये तो इसी में एडजस्ट कर लो, तो वो फिर इस बात के लिए तैयार हो गए थे। तो मेरी लाइट अलग है और यहाँ का किराया है हमारा 5,000 रुपये। क्यों इस तरीके के कमेंट कर देते हैं? तो बस इसीलिए हम बार बार आप लोगों से बोल रहे हैं कि मुझे कोई शर्म नहीं है अपना किराया बताने में। वहाँ 8,000 था, गोविंदपुरी में 6,000 था और यहाँ पर मेरा किराया है 5,000, तो मुझे शर्म नहीं है। वो मैं इसीलिए बोल रही हूँ कि मतलब कुछ लोग होते हैं ना कि जो भी मन में आता है वो बोल देते हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। को जब वहाँ से हमने शिफ्ट किया था तो बहुत लोग कह रहे थे किराया नहीं दे पाई होगी इसीलिए खाली करा लिया। अब जब यहाँ आ गए तो तब भी जो है दो चार लोग कमेंट इस तरीके के कर देते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हमें किसी चीज़ का और किसी बात का हमें बुरा नहीं लगता। ये तो अपनी अपनी सोच है, क्योंकि जिसके पास जितनी सोच होगी, जितना दिमाग होगा। और कभी कभी ये भी हो सकता है कि भाई क्या बताएं, किसी तरीके का उनका फ्रस्ट्रेशन हो या कुछ भी हो, मतलब तो वो सारे रीजन हम आप लोगों को, जैसे ही आप लोग मेरे प्यारे प्यारे जो अच्छे अच्छे सब्सक्राइबर हैं, जो मेरे बच्चे हैं, जो हमसे पूछते हैं आंटी जी आपने इतनी जल्दी शिफ्ट क्यों कर दिया, आंटी जी आप दीदी के पास साथ रहिए, तो लोग ऐसे पूछते हैं तो अच्छा भी लगता है। और हम तुरंत आप लोगों की बात का जवाब भी देते हैं या नहीं, आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसी कोई बात नहीं है, हम दीदी के साथ नहीं रहते हैं या मतलब रहने का क्या रीज़न है, उसके ऊपर भी हमने एक प्यारा सा कितना अच्छा सा वीडियो आप लोगों के लिए बनाया था कि हम मतलब अलग क्यों रहते हैं, अलग हमने रूम क्यों लिया है। वो बात सही है कि हम ज़्यादा यहाँ रहते हैं, मैं तो सिर्फ वीडियो बनाना ही आता है, वो भी किसी तरीके से आ गया, दिव्या ने ज़बरदस्ती करके बनवा दिया है। तो बस वो सारी बातें आप लोगों को हम बड़े अच्छे से और बड़े प्यार से बताते हैं, और आप लोग भी हमें बहुत प्यारे प्यारे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हो, प्यार करते हो, मेरी केयर करते हो, तो अच्छा लगता है ये सारे जो है कमेंट पढ़ के और आप लोगों से ये सुन के। अगर ज़रा सा भी हम तबीयत के बारे में बोल देते हैं तो आप लोग कितनी केयर करते हो, प्लीज़ आंटी काम मत करो, आराम करो, तो बहुत अच्छा लगता है, सच में बहुत अच्छा लगता है। बहुत हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं कि आप लोग मेरी इतनी केयर करते हो। तो फिर एक दो लोग इस तरीके से कहते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कहते हैं कहने दो, कोई बात नहीं है। तो बस वही है कि हम काफ़ी दिन से सोच रहे थे इस बारे में, तो हमने सोचा कि मतलब वो किचन का काम तो इतना हो ही गया, अभी हम बैठे हैं तो 10-5 मिनट आप लोगों से बात ही कर लें। और मतलब वैसे ही किराए वाले कमेंट मेरे सामने आ गए थे तो हमने सोचा कि चलो बैठे हैं तब तक जो है थोड़ा सा आराम कर रहे हैं तो आप लोगों को किराए के ही बारे में बता दें। तो आप लोगों को तो पता चल गया होगा कि मेरा यहाँ का किराया कितना है। यहाँ तक तो देने के लिए हम सोच रहे थे, तो
वहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब किसी तरीके से हमें सूट नहीं कर रहा था। तो हमने आप लोगों से पूछा था कि मतलब हमने सही किया, तो आप लोगों ने बहुत अच्छे कमेंट किए थे, नहीं आंटी आपने बिल्कुल सही किया, पैसे मेहनत से आते हैं, क्यों बेकार खर्च करें। तो हमें ये सुन के बहुत अच्छा लगा कि मतलब मेरी बात आप लोग कितने अच्छे से समझते हैं, कितने अच्छे से सुनते हैं और कितने अच्छे से समझते हैं। जब अपनी कोई बात कहो किसी से और मतलब आगे वाला बहुत अच्छे से समझता है, तो खुद भी जो है खुशी होती है और अच्छा लगता है, मन में सुकून मिलता है कि मतलब हम अपनी जगह सही हैं। क्योंकि ये होता है ना कि अकेले अपने मुंह से कुछ भी कहते रहो, हम इतने अच्छे हैं, हम इतनी अच्छी बात करते हैं, हम इतना अच्छा ये करते, इतना अच्छा वो करते, तो अपने मुंह से इंसान मतलब कहते नहीं अपने मुंह अपनी बड़ाई, तो अपने मुंह से जो है कुछ भी कह लो, लेकिन वो बात जो है तभी अच्छी लगती है जब 10 लोग उस बात से एग्री हों, और यहाँ तो हजारों लोग हैं मेरी बात से सहमत, तो बहुत अच्छा लगता है। तो इतने सारे और इतने अच्छे प्यारे कमेंट करने के लिए आप लोगों को ढेर सारा प्यार मेरी तरफ से, और आप सब लोग कैसे हो जरूर बताइएगा। और दिव्या उधर उस वाले रूम में अपना कुछ काम कर रही है, और बेटू उधर बाहर टीवी देख रही है, और भैया है नहीं, वो तो बाहर गए हैं अपने काम से, आप लोगों को तो पता ही होगा। तो अब देखेंगे थोड़ा बहुत क्या काम है, वो उठ के करेंगे, और फिर उसके बाद तो फिर देखते हैं। अब तो कल ही जाएंगे अपने रूम पर और कुछ काम करेंगे, और आप लोगों के और आप लोगों के साथ जरूर शेयर करेंगे। तो बस यही छोटी सी एक बात मन में आ गई थी आप आ गई थी, तो आप लोगों से हमने सोचा कि शेयर कर दें और किराया भी बता दें। तो चलिए इस वाले वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। और अभी तक जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ बहुत सारे लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और लाइक भी करना, करते भी हैं आप लोग लाइक, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करना। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।